अस्सलाम वालेकुम। ओ आखने होने जी के बहुत ज़बरदस्त कुछ गल आखी कि इंसान बड़िया बड़िया गल्लां बाई ते बड़ा इंसान नहीं बनना, बल्कि छोटे छोटे चंगे काम करी ते बड़ा इंसान बनना। मैं मसूद मोगल जी ते प्रोग्राम तुसां तकने हो पे निक्की जी गल ते अज नी जड़ी निक्की जी गल ही है ओ असां बयान करने जी। तो अज की जी निकी जी गल है वो कुछ इस तरह नहीं है कि एक बादशाह होना, उस बादशाह की उसने दिले विच खुदखुती होनी, उसने दिले विच तजस्सुस होना, उसने दिले विच शौक होना, उसने उसकी होना कि ये जड़ी इंसान है जड़े कोई भैन भरा वे वो एक ही मां ने पेट विच पैदा होने, एक ही कोख विच पैदा होने, लेकिन उन्होंने किस्मत उन्होंने रोजी रिस्क लादे लादे किए होने जी। खैर वो अपने तौर पर इस चीज़ ने जस्तजू करना, लेकिन उसकी काफ़ी अरसा हो जाना तो कोई उसकी नहीं मिलना जी, कोई सवाल ना कोई जवाब नहीं मिलना उसकी। आखिर वो अपने जड़े उसने वजीर मशीर होने उन्हें सारे की वो गठा करना, उन्हें जाना जी कि मैं आज दरबार करना चाहना और मैं एक सवाल पूछना चाहना है। बादशाह ने हुक्म होना फटाफट दरबार लगना, सारे वजीर मशीर सारे वो गठे होने। बादशाह आखना जी मैं यह सवाल आज कि एक ही मां ने पेट विचों एक ही मां ने कोख विचों पैदा होने वाले जो बच्चे हुए उन्होंने किस्मत उन्होंने रोजी रिस उन्होंने मुकदर लादे लादे किया होने। कुछ बंदे की इस सवाल ना जवाब को नहीं अच्छा, तो एक जरा वजीर मशीर होना काफ़ी पुराना होना उस यानी उसने वाले साहब नाल उन्होंने नाल चलना अच्छा होना, वो अच्छा जी तो वो आखना जी कि बादशाह सलामत इस सवाल ने जरा जवाब आसा कि इतने कोई भी नहीं देई सकना। इस सवाल ने जवाब अगर तुसें चाहिए आ तो तुसें कि सफ़र करना पैसी काफ़ी लम्मा सफ़र आ, एक जंगल आ उत्थे एक बंदा बैठा वा वो तुसें जवाब देसी। बादशाह खुदखुती होनी, बादशाह दिले जो तजस्सुस होना, बादशाह फटाफट जरा ना वो सफ़र की तैयारी ने हुक्म देना, सफ़र की तैयारी होनी जी, घोड़े छोड़े तैयार होने, वजीर मशीर जड़े नाल होने वो होने, खुराक शाक जी नाल रखनी होनी वो रखने, तो सफ़र शुरू हो जाना जी। काफ़ी मुश्किल सफ़र होना, काफ़ी दुशवार गुजार सफ़र होना, काफ़ी वो पहाड़ी रास्ते होने, तकरीबन 15 दिन लगने उसकी, 14-15 दिन रात लगनियाँ। आखिर एक जगह पहुँचने उसने झोंपड़ी नज़र अच्छी जितने बंदा बैठा होना बादशाह सलामत, उसने कोल जाने उस बंदे की तकने तो बंदा जड़ा या वो अंगारे खाना होना, अंगारे नहीं होने कोले ने पकाई तो जड़े होने अंगारे खाना होना, अग खाना होना। बादशाह सलामत बड़े हैरान होने कि उसकी परेशान भी होने उस बंदे को पूछने कि एक है अंगारे तू किया खाना है पिया, वो आखना जी सवाल पूछो जिस सवाल वास्ते आए हो। वो बादशाह सलामत उसने को सवाल पूछने के माड़ा, बादशाह सलामत कि तुसाने दो सवाल हो गए कि एक तो तुसाने पूछा कि मैं अंगारे क्या खाना पिया, दूसरा है तुसाने पूछा कि एक की माँ ने पेट विच पैदा होने बच्चों ने मुकदर रोजी रिस्क लादा कि उन्हें उन्हें इसना जवाब मैं ना दे सकना। इसना जवाब अगर तुसा की चाहिए ना तो तुसा की मजीद सफ़र करना पैसी, इसलिए तो जंगल क्रॉस करी तो अगर एक पहाड़ ऐसी पहाड़ ने दूसरी तरफ जा सो तो एक झोंपड़ी है उत्थे इसलिए बंदा बैठा हो तुसें जवाब देसी। खैर जी बादशाह सलामत की बड़ा गुस्सा अच्छा, लेकिन क्या करा अपनी जी खुदकुती होनी उसकी मिटाना होना और सफ़र अपना शुरू करी देना जी। सफ़र पहाड़ी इलाका होना, सारा सफ़र जदू खत्म होना दूर जाने फिर तकरीबन 10 दिहाड़े लगी जाने उत्थे पहुँचने, झोंपड़ी पर बंदा बैठा होना, वह बंदा अपने जिसम नालू गोश्त लाई लाई खाना होना। बादशाह सलामत उसने भी बड़े हैरान होने, उसने को भी यह सवाल पूछने कि तू क्या करना है पिया, तो वह आखना जी इस सवाल का जवाब मैं बाद ही दे सा, पहले तुसा कोई और सवाल है तो पूछो। वो आखना जी बादशाह सलामत अपना सवाल दोबारा दोहराना जी, तो वह बंदा आखना जी कि इस सवाल ने जवाब इन दौ सवाल ने जवाब तुसा कि माए को नहीं मिलन लगा, बल्कि ये इलाका थोड़ा जा गया क्रॉस कर सो तो ग्रह ऐसी उस ग्रह में एक बंदा आ जड़ा ना जीणिया भी आ तो ना मोया भी आ, उसकी काफ़ी अरसा हो गया, वह बीमार आ, उसकी शायद कोई बीमारी है, तो वह नज़र नहीं हालत भी आ, तो जल्दी पहुँचो इन वह तो सू पहुँचने से पहले पहले वह बंदा फौत हो जाए। बादशाह जल्दी जल्दी तैयारी करने उतों सफ़र शुरू करने उस ग्रह में पहुँचने, उस ग्रह जाइए उस बंदे की बंदे ने पता करने, उस बंदे ने घर जाने, जब उस बंदे की मिलने वो बंदा वाकई जी चरपाई पर पिया होना, तो यह पता लगना कि बस हूँ मोया कि हूँ मोया, लेकिन उसने घर कोई सांस आ रही होनी टुट रही होनी आ रही होनी टुट रही होनी। खैर उस बंदे की आखना जी कि मैं इस सिलसिले च हाजिर होया कि मैं इस मुल्क ना बादशाह आया और मैं इस तजस्से से आया कि एक ही कोख विच पैदा होने वाले एक ही माँ ने पेट विच पैदा होने वाले जेडे भैन भरा होने उन्होंने मुकदर और किस्मत अलग अलग क्या होने। तो बंदा आखना जी कि मैं इस सवाल का जवाब तुसा कि बादशाह सलामत इस तरह देसा कि असा चार भरा से हाँ, एक भरा जड़ा आया वो जरा तुसा कि पहले झोंपड़ी च मिले जरा अंगारे खाना सा पिया, दूआ भरा जड़ा अगे जड़ा वो अपना गोश्त खाना सा पिया, और त्रीया मैं हाँ और चौथे तुसा हो।
होया इस रहा साढ़े बचपन में कि एक बंदा जड़ा आया वो मंगने वास्ते आया असा रोटी खाने से यहाँ पे तो उस अल्लाह ने नया पुरुष साढ़े कोलू मंगया कि कोई खाने वास्ते दियो भुख लगी हुई तो जड़ अंगारे खाना सा पे उस आख्या जी कि मैं क्या करा मैं तो कि अगर अपनी रोटी चाहिए तो मैं आपू के अंगारे खां अग खां मैं। उस तो बाद माए को अच्छा तो मैं उसकी आखना कि मैं तो कि अगर अपने हिस्से ने मैं तो कि चाहिए दियाँ रिजक तो मैं आपू के अपना जिसम गोश्त अपना खां। तो उस तो बाद जदों माड़े को अच्छा तो मैं उसकी ये जवाब देना है जी कि मैं इतना तुकी दे सकना अगर मैं तुकी दें तो मैं इतना जीने मरने वाला अपने नाल काम करी कि ना मैं ना ही करना। उस तो बाद तुसा को अच्छा तुसा को लेकर रोटी होनी भुख तुसा बड़ी सख्त लगी होनी वो बंदा रोटी ना सवाल करना तो रोटी उसकी चाहिए देने वो बड़िया ही दुआवा तुसा देना तो चला जाना। तो कहानी ने जरा मतलब आ या कहानी ने जरा सबक आओ तो तुसा भी कड़ी कहता उसी तो कहानी ने सबक ये आ कि जितना भी तुसा किसा की अगर देने हो अपनी रोजी बिचों अपने रिजक अपने जड़ा खा रहे होने हो उसने भी तुसा देने हो तो उसना इजाफा होना नज़र भी अच्छना कि यार इस बंदा ये बंदा हकदार आ इस बंदे की असें देना चाहिए। माजरत चाहना जी कि शायद कोई नेट ना हुआ जिसकी वजह से सारे जड़ी है वो निकी जी जड़ी गल ही है उसना जड़ा सबक आ उसना सारा मजा खराब हो गया। पर कैफ एक गल आखना सा पाया कि एक दूए की मदद करनी चाहिए अपने आस पड़ोस अपने आंढ गुआंढ जितने भी लोग तुसाने बसने कुछ लोग ऐसे गैरतमंद होने ऐसे सफेदपोश होने कि वो मांग नहीं सकने लेकिन उन्होंने जस्तजू करनी चाहिए। तो एक और गल ये कि असा लोग बाज़ औकात कोई मंगने वाला होना तो असा उसकी ना देना तो पूछा जाना कि ये क्यों नहीं तू उसकी दिता उस अल्लाह ने नया पर तुसा को मंगया तो असा ने यह जवाब होना जी कि ये मी नहीं लगना सा ये मुस्तहिक सा। तो एक गल याद रख्या करो कि मुस्तहिक जड़ा आया ये अल्लाह ने जात जाननी होनी कि कौन मुस्तहिक है तो कौन नहीं। अगर इस शर्त पर अल्लाह असां की देना शुरू करे कि असां मुस्तहिक हैं या इस चीज़ ने असां काबिल हैं तो यकीन करो कि भुखे मरी जाइए असां को पल्ला तो कख भी ना रहे। लिहाजा इस बंदा जरा तुसा को आ जाना अल्लाह नाइन सवाल करना अल्लाह ने नाइन तुसा को मंगना फिर इस जस्तजू या इस रिसर्च में मत जाओ कि वो इस चीज़ ने काबुल आया या नहीं है। बस ये सोचो कि जिस तरह रब असां ही देना पे असां नहीं काबिल हैं बस उस बंदे की तुसा चाहिए दिया करो। ते उम्मीद करना जी कि निक्की जी गल तुसा की जरूर पसंद आई हो सी ते साढ़े बड़े जड़े ना और दोस्त जड़े भी साढ़े नाल जड़ा आ शामिल हो गए ते दोस्तों ने बड़ी जड़ी है ना मिकी ये फरमाइश है जी कि बड़ी ये लोगों ने बल्कि शिकवा है जी कि तुसा कमेंट्स ना पढ़ने बस अपनी गल्ला दबी जाने पे। तो मैं तुसें उस आखिर मुगल है जो अपनी गप्पा शुरू करने फिर को नहीं पता लगना ने साथ नाल बहुत सारे दोस्त शामिल हो चुके जी ते जरा उन्होंने तार भी जुड़ने हैं तो उन्होंने पढ़ने हैं फिर जरा ऐसा वो मैं तुसें दसना है कि क्या जरा नसल कहानी क्या या प्रोग्राम नहीं कहानी या इसने मैं जवाब देना चाहना सा। इमरान साहब साढ़े नाल शामिल हो इमरान भाई बहुत शुक्रिया जी तुसा नाल इधर ही हैं जी कुधर जासा और जरा कम सा मैं आया तुसा अच्छे जी म्यूजिक सुनो डांस शांस मारो मैं अच्छा अभी भाई अस्सलाम वालेकुम काम करके ना आपको गायब हो नहीं जी मैं इतना ही हूँ जी कुधर जाना जी मतलब कुर्सी किने वास्ते गया नहीं 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 कुर्सी शुर्सी को ना किन्ने कुर्सी नहीं था कम पक्का जा नहीं होना ना कुर्सी जड़ी है रहनी या नहीं रहनी है मैं चौफड़ मारी तो बहना आया चौफड़ मारो कोई ठालना तो नहीं ना क्या ख्याल है। अभी भाई आखने सलामत रहो जी तुसा सलामत रहो जी तो सैयद काजमी साहब सारा प्रोग्राम तकने पे वेलकम आखने हैं जी फरीद सैन की भी वेलकम सा आखने हैं जी अली इमरान साहब आखने असलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अली भाई क्या हाल है ठीक हो खुश आमदेद जनाब तुसा की खुश आमदेद जी बहुत सारे सारे प्रोग्राम तुसा तशरीफ लाए हो जी। तो अली इमरान आखने बादशाह की कंगी बहु होने वैसे हाँ नहीं बहु खटके छटके बहु रहने ना बादशाह की तुसा की पता आया ता ही आखने मतलब कर कुर्सी किन्ने गए मैं कुर्सी ना आना फिर खटका पेई जासी मिकी भी। ते राणा साहब साहब ना शामिल है सलाम आखने तो वालेकम सलाम ते अब तो संजय दत्त ने फिल्म आली स्टोरी है आला ये मिकी को नहीं से पता चलो चंगी ते निकी गल ये खत्म ही नहीं होनी पी आ ये खत्म औखी होनी असल में थोड़ा नेट प्रॉब्लम आ गया सा मलक तैर आखने जी कह समझे मुगल स्टोरी नहीं लगी सकनी ते नेट नहीं कोई इशू हाँ जर बिल्कुल जी नेट ना इशू अच्छा सा पाया ते मलक तैर जी तुसा कह समझे मुगल और होर स्टोरिया लिखने ही पे ना मिकी ते लगना मुगल आर आप आखसी मैं ना दसना आखा मैं आखरा पर जदों ये कनेक्शन यही रह सी ना यही मसला हो सी तो फिर मैं आखरा पर यही ऐसा मैं नहीं बताऊंगा। तो इस तो पहले पहले कि मैं इस नौबत पर पहुंचा मैं सारे जड़े ना कमेंट्स पढ़ी कि नया क्या ख्याल है ते जड़ा दिता वो है बचिया आ बिल्कुल जी जड़ा दिता वो ही बचिया जी ये ठीक आखिर ने जी बहुत सोहनी गल आखी जी मतलब करा कि जड़ा तुसा चाही दिता ना वो ही बचत ने बाकी सब समझी कणो के खूह खाता पे गया। ते अभी शहीद आखने जी जबरदस्त मेहरबानी जी बहुत शुक्रिया जी ते राणा साहब आखने बहुत साहब मुगल जी बहुत
बस वो थोड़ी जी नेटवर्क नहीं वजह से थोड़ी जी कहानी छड़ी है चिकलन गई पर कैफ तुसें समझ आ गई उसी मैं क्या आखना चाहना आया ते अभी आखना बेशक अल्लाह बेहतर जान बिल्कुल जी अल्लाह ताला जान जान ते चौधरी हसन साहब वालेकम सलाम जी क्या हाल है ठीक हो सेहत तबीयत ठीक है बस निकी जी तुसा सवार करसा जड़ा भी दोस्त अच्छा जाना नाल नाल कमेंट्स करने जाए करो लाइक करने जाए शेयर करने जाए को तुसें पता होना कोई बंदा प्रोग्राम करना होना उसने जड़ी सारी जान होनी हो तुसाने कमेंट्स विच होनी हो जब बंदा ते कमेंट्स तुसा उसने करसो जदों शेयर करसो लाइक करसो तो जहर है फिर ऑक्सीजन जड़ी है वो मिलनी जानी ते पिछे मैं आना है कि इस मैका ही मिला क्योंकि मैं मैक लाया बस फिर म्यूजिक वाला जरा काम वो थोड़ा रुकया और म्यूजिक से बगैर बड़ा जरा आराम भी किया ओपरा जो लगना तो एक मिनट बस मैं जरा आना जी मिगी दस्सेआ तुसें दस्सेआ कि म्यूजिक नहीं आवाज़ ठीक है माड़ी आवाज़ तुसें कि सही अच्छी पी क्लीयर अच्छी पी क्योंकि मैक भी मैं थोड़ा जहा मुतमिन ना समझता वास्ते मैक लाई सटिया ते जड़े जड़े नाल दोस्त शामिल होने जाने जी और कोशिश ये करया करो कि प्रोग्राम जड़ा भी कोई होना पे जरा बंदा बैठा होना पे उसने जरा ना उसनी खातर जरा ना उसने हौसला अफजाई नहीं खातर जरा प्रोग्राम जरा अपने दोस्तों नाल शेयर कर चढ़ेगा ताकि जरा प्रोग्राम होना होना या बाकी अच्छे वाले प्रोग्राम है वो तुसाने दोस्तों तक भी पहुँची जाया करो ने पेज पहुँची जाया करो लोगों अपने दोस्तों की ये भी आया करो जी कि पेज जरा ना लाइक कर सको पेज पर बड़े अच्छे अच्छे और बड़े जड़े ना मालूमाती जड़े वो प्रोग्राम अच्छे ते मलक तेरा आखने आवाज़ तुसानी कट अच्छी पी आवाज़ हूँ जी मलक जी हूँ आवाज़ ठीक अच्छी पी कोशिश तो मैं ये करना है कि आवाज़ ते साज जड़े भी वो तकरीबन तक भी मुल्ले जुले रहे ते बाज़ औकात जरा है साज नहीं आवाज़ ज्यादा हो जानी तो बंदे की आवाज़ थोड़ी हो जानी तो मिगी जरूर दस्या साज आवाज़ हूँ ठीक अच्छी पी जी वालेकम सलाम नदीम राणा साहब आखने पे जी वालेकम सलाम वही साहब ठीक हो मैं थोड़ी जी बस टेक्निकल प्रॉब्लम फसया हुआ इस वजह से तुमने शायद कोई मिस हो जाए तो माजरत जी तो वही साहब आखने पे वेयर फ्रॉम जी पाकिस्तान से हुए जी तुम कुछ अपना भी दस छड़िया करो ना जी कि तुम कि जाइस तशरीफ लाए हो सलाम दुआ कर छड़िया करो वो मैं अक्सर आखना होना है कि तुम कुछ दुकाना शाना पर जाने होना वह दुकाना पर जिस टाइम पहुंची रहने हो तो फिरी थोड़ी मुड़ी तो चले जाने हो तो बंदे जो बैठे होने आने चंगा बंदा यार ना सलाम ना दुआ है आया ही तो जाना ना कुछ हाल पुछया ना कुछ तो वह जुला ही है पिया यार मन ही गया इसकी तो यह चक्कर जो प्रोग्राम प्रश्न हो तुसा तो झाती जी मारी तो फिर जुले रहने हो तो मैं भी आखना यार चंगा जाना यार को ना सलाम किया ना कोई दुआ की सलाम दुआ करी तो जाया करो तो दोस्त को मैं नाल अगर शामिल होना चाहना इमरान भाई से अगर मैं ना शामिल होने चाहना से शुरू भी लेकिन शायद वो ना चले गए लेकिन वापस जिस टाइम भी आन तो इमरान भाई मैं तुसें इनवाइट करसा शामिल होना चाहने हो गुफ्तगू करना चाहने हो तो जरूर बेशक जी मेरी खुशी होसी कि तुसा मैं ना शामिल हो तो सही है तो आखना जी कि म्यूजिक की आवाज़ कम है उच्ची करो जी बिल्कुल जी उम्मीद करना जी हूँ म्यूजिक की आवाज़ भी ठीक हो सी तुम्हारी आवाज़ भी तुसा तक पहुँचनी होगी तो गल ये पाना सा पाया जी कि बारिशा जड़िया हुई अज तो बड़ी जबरदस्त बारिश हुई जी है बस मुगल आज बड़े खुश ने क्योंकि पिछले दो त्रै दिहाड़े चंगे मुगल आने लगे गर्मियों में तो मुगल आने की ड्यूटी भी कोई इस किस्म नहीं है कदम अंदर तो कदम बाहर तो बड़े जरा तो हिसाब तो नहीं ना लोगों वाला है गर्मी इतनी सत्तू शत्तू पी तो बल्कि सत्तू के अठू नौ पी सुते रहो है ना कम ना काज तो फार्मूला भी उन्होंने ठीक है ना उस आख्या कि फिक्र ना फाका ऐश कर काका है बस यार कम शम भी थोड़े नाल लगे रहने तो बल्कि मैं सारे दोस्तों ही आखना जी यंग जनरेशन स्पेशली नहीं आखना यार कि कम शम करया करो कम शम जरा ना ये बड़ा जरूरी होना कोई भी जॉब करया करो कोई अपना काम करया करो कोई अपने जो स्किल से उन्हें यूटिलाइज करया करो बिल्कुल बंदा जिस टाइम दोस्त बहुत सारे ना शामिल होने जाने तो मिगे बहुत बड़ा जरा ना शिकवा जी दोस्तों ना कि तुसा कमेंट्स नहीं पढ़ने हो कमेंट्स ना तुसा जो अनटच हो जाने फिर असें दिन नहीं करना प्रोग्राम करने इस वजह से मैं अपनी गल्ला ही जरा ना थोड़ी जरा ना थोड़ी गल्ला करसा तो कमेंट्स जो वो ज्यादा पसंद राणा साहब आखने पे ओके जी ओके हो गया जी ठीक है आवाज़ होगी सही हो गया जी इमरान साहब आने उठ इमरान से बहुत ए ना इमरान भी बहुत हाँ जी बिल्कुल तुसा जी बिल्कुल अली इमरान साहब वो अपने मास्टर इमरान आदमी में उन्होंने गल करना है शायद चले गए आए थे एक दफा सारे नाले चलो मेहरबानी की शुक्रिया उन्होंने अच्छे चलो दोबारा आए थे कोई दोस्त शामिल होना चाहे मैं इनवाइट करो जी मैं उसकी अपने नाल खेना उसने अगर गप शप ना तो सनी मलिक आखना भी जी सलाम जनाब वालेकम सलाम जी अली इमरान है किसकी दावत देने दसी सटे आना नवाज सर फराज खान साहब कलची साहब
क्या हाल है जनाब? ठीक है मसूद साहब, माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम है। बस तुसा दोस्तों की दुआ है जी, तुसा दोस्तों की पसंदगी है ना, इस वजह से प्रोग्राम भी अच्छा होना ना। क्या ख्याल है ते अजकल क्या होना पे दस जरूर अला, ते इस्लामाबाद ही होने हो या कोई अग्गे पिछे होने हो या क्या करने हो पे? पहले ते मिकी सारी मालूमात सी, क्या करने पे? काफ़ी अच्छा होया मुलाकात को नहीं हुई नवाब साहब, तो लाजमी दसो कि क्या होना पे। ठीक है ते प्रोग्राम भी नाल शेयर करने जा सो। वीर साहब आखना जी बहुत अच्छी हुई जी, पहले ठीक थी बहुत अच्छी हुई जी, क्या करा जी ये मारे ख्याल है। वीर साहब हूँ दरमियानी जी ने हूँ गुजारा करे है तो नहीं पता लगना जी। मेरे ख्याल ना इतनी ठीक ही आवाज है, तो बारिश तो चंगी हुई पर गर्मी भी चंगे थके थके गर्मी की। हाँ हाँ जी गर्मी तो जहर है, गर्मी ने बहुत सामान अपने सामान फिर कमें छिकना तो ख्याल है बंद होगी ना जी, हम ठीक होगी ना ओ मैं गल पाना सब मैं कुछ लोग तो होने ना गर्मी गर्मी अच्छा या ना भी गर्मी है तो भी सत्तू पी तो सुते रहने कमे शाम मेरे पास उन्हें रास्ता ही होना। तो वो काम जवान की मौत है जो हो गया वो बहुत है, तो कोशिश करे कोई जी स्पेशल जी यंग जनरेशन जरा कम शम करा करो। अगर तुसा कोई तालीम शीम थी तो कोई जॉब शॉब लोड़ा करो, जॉब करा करो। जॉब अगर तुसा दिल नहीं मनना कुसा ने गल नहीं सुनी सकने, कोशिश करो कोई छोटा मोटा बिजनेस अपना कोई दुकान शान इस तरह काम करी सकना। अगर ये नहीं करी सकने तो कम अज कम इतना जरूर करो कि कोई टेक्निकल कम सीख लिया करो, जरा टेक्निकल कम सीखो उस तो बाद अपने कोई शोबे भी जरा कोई अपने स्किल यूटिलाइज करो, लोगों तक अपनी खिदमात पहुँचाओ ताकि असा ने बेबल की भी फायदा हो बाकी सारे अपने माशरे की भी फायदा हो और स्पेशल सब तो ज़्यादा उस फायदा हो। तो मुगल रहना तो यही मशवरा है कि कम करने दिया करो, कम में दिल लाई रखा करो, जो कम बंद हो जाना तो फिर उस बाद बड़ा रौला हो जाए। क्या ख्याल है? तो वो मैं तुम गल सुनान लगा सा कि पिछले जो प्रोग्राम में किया काफ़ी मोटिवेशन का लेने का एक दो टॉपिक रखे थे, दो ही प्रोग्राम आए जो मोटिवेशन है बच्चे अबीब आखने जी हूँ ठीक ही है। चलो जी अबीब जी तुम मुतमिन हो गए, जिसका मतलब आ कि हूँ वाकई ही ठीक हो सी, क्योंकि तुम्हें मुतमिन करना काफ़ी मुश्किल है शहर पाने से बाकी मी को पता क्या। तो मैं शाह जी ठीक आख्या ना सिबत शाह दसने से कि इन्हें मुतमिन करना बहुत मुश्किल होना, तो हूँ जो अगर तुसा मुतमिन होने तो इसका मतलब है कि हर चीज़ ओके ही है। तो गल में ये क्या बहन लगा सा तुम हाँ मैं प्रोग्राम किया थोड़ी मोटिवेशन टाइप से गप शप उसने जी वो कम की भाई जी गल मोटिवेशन वो ज्यादा थी और काफ़ी सारे दोस्तों ने फिर फोन भी आए, काफ़ी दोस्तों ने मैसेज भी आए कि मुगल साहब ये तो बहुत कोई छड़ा जहा काम रखे हुआ है, मेहरबानी करो तो कमें की थोड़ा पकाओ बल्कि कमें की चाहत रखो। मैं आया यार हूँ चल चाहिए छोटा पर रखिए सुना क्या ख्याल है? तो तुम सारे दोस्तों ने जरा ना मेहरबानी जो अच्छे हो कोई मशवरा देने हो आपने भी जिस टाइम चले जाने फिर तुम कमेंट करने हो। तो जरूर बस साहब जी अपने पक्खू है उन्होंने शिकवा किया था तुम कमेंट सुनो पन्ने तो ज़्यादातर तुम गल पाने हो। तो जरूर साहब मैं मतलब लिखी तो भी रुका भी लिखी तुम्हारा को मदद की थी जी, तो उन्हें भी अपने प्रोग्राम ने पिछले ना तुम्हारी मदद करना जी कि वाकई सारी बड़ी गलती है थी जी, माई बड़ी गलती थी कि मैं सारी तवज्जो के प्रोग्राम चाहिए थी और गल्ला बातें चाहिए थी मैं कोई कमेंट्स नहीं से पढ़े। तो फिर मैं तुम्हें एक दोबारा से याद कराना जी कि लाइक तो शेयर तो कमेंट जरूर करो, लाइक जो तुम करने हो तो सारा भी हौसला बदली जाना, तो कमेंट करने हो तो हौसले की फिर मजीद हौसला मिली जाना। तो उस बाद जो तुमने शेयर है शेयर ने तो असा होना फायदा हो जाना कि तुम्हें साड़ा जो प्रोग्राम होना सा पेज होना प्रमोट होना लोगों तक पहुँचना तुम्हें दोस्तों तक पहुँचना, तुम दोस्तों की भी आशा करो जी कि इस पेज की लाइक करो। तो बिल्कुल जो प्रोग्राम है बड़े जबरदस्त किस्म के प्रोग्राम असं पेश करने जी हफ्ता पूरा, खाली कोई ये नहीं है कि बस एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होने या जिसमें मैं बैठा हुआ बस गप्पा शप्पा लाइया तो कोई गल निकली है तो ठीक है ना निकली तो चलो ठीक है। इस सारे प्रोग्राम जी सारे इस पेज पर जिंदगी बेवलनी पर हफ्ता बार प्रोग्राम अच्छे रहने और बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम अच्छे उसने तफसील में तुम कि जरा प्रोग्राम हर इतवारें जो हर इतवारें तुम कि बजे लग्या करती अठ बजे तू नौ बजे जी माड़ा प्रोग्राम होया करती कमरान मंजूर साहब है जी वो भी सैम इतवारें ही अच्छे होने जी
त्रै शहजाद कराची साहब जी ओह आंदे ओह ना तो गुलदस्ता प्रोग्राम है उन्होंने त्रै जुमे आह दिन वो अच्छे होने अज ट्रांसमिशन पर उन्होंने बड़े जबरदस्त किस्म ने प्रोग्राम ये सुने लेने तैच वैसो जदू साढ़े पेज की लाइक कर सो साढ़े पेज की तुसा कमेंट्स कर सो साढ़े पेज ने फॉलोइंग कर सो तो जहर है तुसा के सारे प्रोग्राम भी ऑटोमैटिक मिलने रह सो तो उस बाद इमरान भट्ट साहब जी इजारे राय ने नाए नाल ओ हफ्ता बस ये जरा सारा नेट आता है तो आपको भी स्लो से लेकिन सारा नेट और ही जरा ज़्यादा स्लो हो गया तो क्या बात आपकी तुसा हमेशा हाँ ठीक आपने ते मैं प्रोग्राम आने वाले ना दसना चाह पाया जी कि प्रोग्राम जड़े पेश होने इमरान भट्ट साहब जी बड़ा जबरदस्त सारे राय ने बड़ा मालूमती प्रोग्राम करने ने कोई टॉपिक रखी कि ने कुछ सियासी बंदे की दावत देने किसी और फील्ड वाले बंदे की और दावत देने पिछले उन्हें प्रोग्राम किया बड़ा जबरदस्त किस्म का बड़ा हिट किस्म का उस जाइज सारे पेज पर दोबारा तक भी सकने बड़ा मजे वाला और मालूमती प्रोग्राम था ते काशिफ साहब साढ़े नाल तशरीफ ला चुके जी तो हाँ जी काशिफ जी सुनाओ जी झाती ना मारी जाया करो ना सारे मैं तुम तो पहले याद करना पाया तो लाइक तो शेयर तो कमेंट जरूर कर दो नाम दवा कर ही जाया करो उस तो बाद नदीम राणा साहब है जी जबरदस्त किस्म का प्रोग्राम पेश करने पे जी जितना भी सारा लोकल टैलेंट है उसकी कोशिश करने पे कि उसकी स्क्रीन जो पिछले सैट थे उन्होंने स्क्रीन में सामने आए कोई अगर दोस्त किसा भी सारे प्रोग्राम में अगर कोई ना हथना प्रोग्राम आ मतना प्रोग्राम आ साड़ा प्रोग्राम होने ने सुर संगीत ना भी साड़ा प्रोग्राम आ जरा नदीम राणा साहब करना तो बड़ा जबरदस्त किस्म का तुम फरमैश ने ना करूँ तो अगर तुमने अंदर कोई टैलेंट लिया आ तुम समझने कि तुमने अंदर कोई स्किल आ कोई तुमने अंदर टैलेंट आ तुम मुल्क की सियासत पर गल करी सकने हो तुस मुल्क की मैशियत पर गल करी सकने हो तुम मुल्की लेवल पर गल करी सकने हो तुस किसी तलीम के मैदान पर गल करी सकने हो कोई इंफॉर्मेशन तुम सही है तो साढ़ा प्लेटफॉर्म तुम वास्ते आदर आ किसी टाइम भी तुम दाते मैसेज करी सकने हो तुम प्रोग्राम कोई मुतलका जरा भी प्रोग्राम ना बंदा आ उसके करी सकने हो राणा साहब अगर कोई बंदा अगर कोई बच्चा अगर कोई भाई जरा यह समझना कि उसने अंदर यह टैलेंट है या फिर गुनगुनाई सकना और गाई सकना तो राणा साहब ने खदमात जड़िया बिल्कुल तुम वास्ते हर टाइम जड़िया और मौजूद हैं राणा साहब की मैसेज करो राणा साहब की कॉल करो राणा साहब का नंबर नहीं है हमारे नंबर पर कॉल करो मिकी मैसेज करो इनबॉक्स करो कुछ भी करो सर रबता करो इस प्लेटफॉर्म पर आओ जी आपने जितने भी तुमने जो है तुमने अंदर जितना कोई फनकार है तुमने अंदर कोई अदाकार है तुमने अंदर कोई सियासतदान है तुमने अंदर कोई तजिया नकार है और सारी प्लेटफॉर्म पर रखो ते अपनी जी सलाहियत है वो एक तो अपन सलाहियत कि इतने नखारो इतने अपने अंदर जो तुमने है बात है सात है उन्होंने बाहर आना दूसरा जो कुछ तुम को मालूमत है वो शेयर करो ताकि उस शेयरिंग का फैसला हो उस मालूमत का फैसला हो उस इल्म का फैसला फायदा जरा ना सिर्फ तुसा की वह ना सिर्फ सुनने वाले की वह बल्कि समाजे की वह असन लोगों की वह खास करके बेवलने लोगों की उसका फायदा पहुंचे ताकि उन्होंने मालूमत दी है जरा यह टॉपिक होना कोई भी हो टॉपिक रखी थे टॉपिक ना मकसद ये होना कि इंसान ने जो अंदर जहन ने भी उसमें भी दिमाग भी हाजरत जी के बार बार जरा डिसकनैक्ट होना पे कद वैसे होया तो नहीं बड़े जबरदस्त कनैक्शन होने लेकिन शायद कोई मसले हो ना नाम की पढ़ने जाने मैसेज भी तो काशिफ काशिफ साहब भी आखने जी के सैन पहुँचने वाली साउंड पीछे वाली जगह है जी काशिफ साहब बिल्कुल यकीन ठीक हो गई उसी काशिफ साहब तो बाबा सैयद वकास शाह मेहरबानी जी शामिल होने ना मामू क्या साहब मामू क्या हाल है ठीक हो वाले हो खैर खड़ी है सेहत भी तो ठीक हाँ एक मैसेज करी मिगी जरूर दसे काफ़ी अर्सा हो गया तुसा नाल भी रबता को नहीं होया मिगी जरूर दसा कि तुसा दी सेहत भी ठीक है ते अफाक अमर साहब क्या हाल है ठीक है साढ़ा प्रोग्राम तुस तकने वेलकम आखने असें मैसेज करी जरूर दसा कि तुसा किस जगह तकने हो पे ठीक है ते नदीम राणा जी बिल्कुल मुफ्त खिदमात बिल्कुल जी इस वास्ते मैं राणा साहब सारे दोस्तों की आश कटिया जी कि कुछ बंद ने अंदर कोई भी सलाहियत है वो साढ़े ना रबता करे असा इंशाल्लाह उसके प्लेटफॉर्म दे सा तो अपने जज्बात और सराहना इजहार करी सकना ते दूसरी जी गल है जी कि जरा सा स्पेशल प्रोग्राम आसा अपने बेवल की अपने पठवार की जी अपनी असं रिस्म रवाज है जी असं अपनी सकाफत है असा कोशिश करने हैं कि इस पर गल करिए ताकि ये जी स्पेशल जे बाहर ने लोग असाई तकने जे आउट ऑफ पठवार है वो असाई तकने ते वो असा की
असा को सीखने एक किस्म ना जरा मैं बैठा हुआ जिस तरह जिंदगी बेवल ने पेज है, पर मैं जिंदगी पेज जिंदगी बेवल ने पेज ना नहीं सिर्फ मैं बल्कि पूरे पठवार ना अम्बेसडर होने वास्ते जो मैं गल करसा जो मैं गल बासा जो मैं हरकत करसा वो यही समझ सन के पूरा पठवार इस तरह पै गया। ठीक है जी बिल्कुल मैं राणा साहब सारा प्रोग्राम चाहिए दिता हूँ जो बेहतरी है। चलो ठीक है जी काशी साहब बेहतर होना चाहिए काम। ठीक है और सुनाओ सेहत तबीयत तुम्हारी ठीक ही दुकाना पर हो या बंद करी चले गए हो ते उसने भी काफ़ी सारिया सारिया रिश्म रवाज साढ़े जोड़े सकाफत या वो तकरीबन फिनिश हो गई ना उन्होंने दोबारा जिंदा करना चाहिए। कुछ ऐसा चीज़ा हैं साढ़े सकाफत साढ़े समाजे बड़िया जबरदस्त किस्म ने मैं अभी पॉइंट तुम्हें दसा कि मैं उस पॉइंट पर बड़ा गौर किया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं तुम दोस्तों शेयर करता जी बिल्कुल जी अबीब साहब बहुत अच्छी बात है मोगल जी जी बिल्कुल जी तुसा की बात पसंद आ गई पहले ही मैं किया और जी मैं काफ़ी सारिया रिस्म बाद मैं तुम्हें बारा सा कि असें जिंदा करनी चाहिए उन चीज़ा की मुस्बत की नहीं ना तो उसने वापस कोई प्लानिंग करनी चाहिए जिस तरह के काफ़ी सारिया चीज़ा हैं वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकनी। ठीक है लेकिन काफ़ी सारिया जो वो जिंदा हो सकनी जिसका मतलब पहले फले होने से हम फैसला होने जहर है हम फले नहीं हो सकते अगर कोई इनफरादी तौर पर करना भी चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक सीजन कर सी अगली बार आपकी छोड़ो वगैरह क्योंकि हम ज़्यादा साइंस की वजह से टेक्नोलॉजी की वजह से जिद्दत आ गई है तो वो थोड़े जे कम होना वैसे भी बहुत हो गए अपने ना लियो सारा कुछ ये भी खेल के खैर इस वह एक चीज़ होनी होनी चाहिए कि असा गर्मी सर्दियों स्पैशल गर्मियों तो खैर पक्के शक्के लगे होने इतनी बात नहीं होनी लेकिन सर्दियों भी स्पैशल ही होना हो सकता जी कि एक और चीज़ जी है वो हल शल जे बहने होने से साढ़े जमींदार भाई जड़े होने होने से बड़े बजुर्ग होने होने से हल बहने होने से वो हल ने फिर वो वादा जड़िया होनी होनी वो उसने अच्छी होनी वो हूं तो नहीं अच्छी ट्रैक्टर उसने गांव गांव बस बाड़ी बाई जुड़ने वे क्या ख्याल है असा जिस टाइम छोटे होने होने से पी टी वी ड्रामा लगा मजा खराब हो गया जी सारा इस कनैक्शन की वजह से जी गल आई हैं जो बात आई हैं जो एक सलसल होना जी रवानगी होनी वो खत्म हो जानी बंदे की तुसा दोस्तों की भी काफ़ी तकलीफ होनी होगी इस कनैक्शन की वजह से अब मैं भी इसका सामना करना पाया शायद कोई मसला जी चले खैर एक मसले फिर जिंदगी ना पट्टी साहब सा शामिल हो जी वेलकम आखने पट्टी साहब की बाकी जो दोस्त नाल शामिल होने चाहिए जी क्योंकि सर मेरे को नोटिफिकेशन थोड़ा जहाँ नैटवर्क की वजह से थोड़ा जहाँ लेट अच्छा बाकी जो दोस्त शामिल होने मैं उसकी वेलकम आखना जी तो चौधरी ज़ियारत साहब आखें अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम ज़ियारत भाई क्या हाल है ठीक हो मैं गल तुसा ना बाना सा पिया जी कि रिस्म रवाज जो भी असं कि कुछ ऐसे भी हैं कि असं जिंदा दोबारा करी सकने अस निके निके होने होने से साढ़े ग्रां फौतगी होगी मैं बड़ी चंगी तरह याद आ साढ़े ग्रां कोई फौतगी होगी सी आंडू गुमान जड़े अगू ढोकों ढाकों तू लोग अच्छे से चौधरी फरीद लैंड जी ढोके इतू अच्छे से पारू कलह तू लोग अच्छे से बाकी उपात जड़े तू लोग अच्छे से ना जी ते बड़ी जबरदस्त गल सी कि असा घर जड़ा है वह ग्रां ने अगर दूसरे सिरे पर उठो तो साढ़ा घर पहले नंबर पर तो जड़े भी कोई औरत अच्छी सी ना आवाज मारी ना तो असं की रोटी पकड़ानी सी जी कि रोटी है ते उस टाइम यह चीज़ होनी होनी कि जिस टाइम घर एक ग्रह फौतगी हो जानी होनी सी ना तो पूरे ग्रह च रोटी होनी सी पकनी होनी सी बल्कि भालू आंडू गुआंढू जो ढोखा ढाकों अच्छी होनी होनी सी वो अच्छी रोटियां देने होने से जितने भी माड़ी उम्र ने लोग हैं वो सारे इस गल की मनसो जी कि वाकई में ठीक आ मतलब जी लोगों की बिल्कुल यही गल है जी अभी भाई ठीक आखने ते वो रोटी जड़ी है वो बारह ग्रह में पक्की पकाई अच्छी होनी सी लेकिन हूँ साढ़े बच्चे आ गया कि जिस घर मीयत पई होनी जिस घर जनाजा पिया होना उस घर उन्हें की उस मीयत नाल उन्होंने वास्ते एक प्रॉब्लम अल्लाह की तरफों आई आई होनी वो तो एक अल्लाह की तरफों जी आई होनी वो तो घटना ही होनी नाल उन्हें की जी एक टेंशन ये भी होनी जी कि इतने मेहमान आए कि उस देगा ना मैं बंदोबस्त करना बस मैं आज ये गल पाना चाहना है भाई ये गल तुसा अगर सारे दोस्तों ही आखना चाहना है कि यार अगर उस वक्त ग्रह में फौतगी हो जानी होनी सी तो पूरे ग्रह को नहीं सी रोटी पकनी होनी तो यकीन मानो कि एको ही फौत होना होना सा उस की कबरै च लाने होने जरा फौत हो जाना होना सा बाकी पूरा ग्रह को नहीं सा फौत होना होना कुरियन कुरियन रोटी लभी जानी सी अगर नहीं सी लभनी तो गुजारा हो जाना होना सा उस तो अलावा किसा बंदे की कब्रस्तान नहीं कबरै को नहीं से लाने बाकी सारे मुड़ी इसने
लेकिन हुन क्या होई गया जी कि हुन देगां जड़ियां या ना वो आखियां जानियां मियत आले घर रोटियां खाइयां जानियां उधर दफनाने वाला काम होना होना बस करना ही तो बस रोटी खिलाने वाला काम हो जाना। तो मैं सारे तुसां दोस्तां ही आखां कि कम अज कम उस रिसम रिवाज की असं इस हद तक जिंदा करी सकने हैं कि जड़ा ग्रां होया है वो कम अज कम बाकी ग्रां दे लोक रखी तक ना जुड़ियां दें। जिस ग्रां विच फौजगी होई जानी उस ग्राम विच कम अज कम एक ऐसी कोई तंजीम बनी होनी चाहिए, एक कोई कमेटी बनी होनी चाहिए और ये यंग जनरेशन का कम आ, जितने जवान है इन्हों का कम आ कि ये अपने ग्रह ने एक कमेटी बना उस ना जरा मंथली कोई चंदा कट्ठा करया करन और सिर्फ वो अपने वसायल ना कट्ठा करया करन ताकि कोई इस तरह नहीं जदू भी सूरत हाल हो जाए कोई फौतगी हो जाए कोई मातम हो जाए तो जिससे घर जनाजा पिया वा उसने मुंडे पर जाए जदू हाथ रखो ना उसकी आखो जे तू तो इसमें सिर्फ टेंशन करनी रोटी नहीं तू टेंशन ना किनिया यकीन करो कि वो लम्हा जरा होना वो ही बंदा सिर्फ समझी सकना। ठीक है तो मैं तुसा सारे जो यंग जनरेशन है जी ये जो तुम ज्यादा आखने जी सही आखने पे हो बिल्कुल जी ज्यादा ताकि हाल ठीक होना फिर पा रहे हो ये क्लास खत्म हो गया पर अफसोस होना जी बिल्कुल जी ये गल्ला खत्म हो गई इस चीज़ा ने मैं आना कि लेकिन ये कोई ऐसी गल नहीं है कि असं इसकी दोबारा जिंदा नहीं करी सकते जी दोबारा रिसम या ये रिवाज ये साढ़े दोबारा जिंदा नहीं हो सकना। थोड़ा जहा एफर्ट करने की जरूरत है थोड़ी जी मेहनत करने की जरूरत है थोड़ी जी तकलीफ चाने की जरूरत है क्योंकि ग्रह में अगर तुम रहने हो तो कल आंड गमांड तुम्हारी फौजगी हुई तो एक दिहाड़ा तुम्हें बेड़े जरूर जनाजा नहीं ठीक है। जितने भी माड़े भ्रा वे माड़े माड़े हम उम्र ने दोस्त है या माड़े तो जो सारे छोटे वे मैं सारे के ये आखना जरा अपने अपने ग्रह ने सीता पर ज्यादा चलो बड़े ने अपने 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 ग्रह चू करी खाओ अपने ग्रह सीधा कोई कमेटी बनाओ कोई तंजीम बनाओ उसमें जरा ना उस ड्यूटियां हो जो कोई फौजगी हुई है उस फौजगी वाले घर वो खाना खिलाने वाली जी जिम्मेदारी है वो उसका उस बंदे नहीं होनी चाहिए उस फैमिली नहीं उस खानदान नहीं होनी चाहिए बल्कि उस तंजीम नहीं उस कमेटी नहीं होनी चाहिए। तो ये मिकी गल बड़े अच्छे माड़े देने थी कि ये मैं तुसा दोस्तों ना शेयर करा जरा कि इस तरह जड़िया रिस्म रवाज असा ने बहुत जोर पकड़ी गई इस तरह दिस्म रवाज जो एक जरा आम इंसान आ जरा एक खेत पोष आ उसने वास्ते एक समझी कहो कि माली परेशानी भी उसने वास्ते होनी उसने घर जनाजा पिया होना तो उसकी जब ये भी नाल टेंशन होनी तो फिर उसने वास्ते बहुत मुश्किल हो जाना मेहनत कर रहा एक तो चलो उस बंदे बेचारे ने आसानी हो जाती उसने उस मुसीबत में वक्त उसने हाथ बैठा जाती दूसरा असा अपने एक समझी कहो कि एक रिसम एक रवाज एक अपनी जी पठवानी सकाफत है उसकी जिंदा करी सकता। मैं उम्मीद करना है कि जितनी भी यंग जनरेशन है वो हमारी गल है पर इस गल की फॉलो करती और बहुत जल्द जरा ना हर ग्रह भी जरा ना इस तरह कमेटियां बन सन इस तरह तंजीमा बन और उसनी सारी जिम्मेवारी जी है वह नहीं कि घर घर जाए कि तुम्हें चंदा करो बल्कि अपने जरा ना तुम अपने वसायल ना उसने चंदा उसने सारा पूरा करो ताकि कुसा ने घर भी अगर फौजगी हो जाने तो उसने जितने अखराजात है कम अज कम खान पीन ने उस कमेटी ने जिन्हें मिल जाने। तो मेरे ख्याल सारे के इस बड़ा करना चाहिए तो मैं यकीन आके करसो भी तो अस्सलाम वालेकुम मोहतरम तो वालेकुम सलाम पट्टी साहब क्या हाल है ठीक हो जंगीर अशरफ साहब सा शामिल होए तो जंगीर अशरफ साहब वेलकम आखने जी खालिद अफयाल जी सलाम दोस्तों को सलाम सब दोस्तों सलाम देना पे जी जिसे जिसे सुनने पे खालिद साहब नवाब रेस्टोरेंट आए इंग्लैंड आए जो सलाम देने पे जी तो बिल्कुल जी भी साहब ये गल्ला खत्म हो गई जी मामू भाई साहब सर शामिल हुए जी तो वेलकम आखने जी उन्होंने जिंदाबाद जिंदाबाद जी जी बिल्कुल जी बहुत शुक्रिया जी। तो गल कोई होर माड़े दिन में आई सी फिर नहीं सी फिर बस वो जी है वो निकली गई बस इन्होंने गलों में ही लेकिन ये निके निके गल हो थोड़ा जहा अमल करो तो काफ़ी बेहतर हो जाना। तो अब नशाई आखना जी बहुत चंगी गल है बहुत अच्छी बहुत शुक्रिया जी बहुत खूबसूरत प्रोग्राम प्यारी बातें बहुत शुक्रिया जी। तो शादी अरुण साहब सा शामिल हो शादी साहब क्या हाल है ठीक है कंटीन्यू मेरा जो निकले हालात कोई बेहतर हो जरूर मैसेज करी दसिया असा कि तुसा ने मुल्क ने क्या हालात है और इस टाइम तुसा ने क्या हालात है अल्लाह ताला हर पासा खैर खरीयत करे जी यही गल्ला करना पे जी निकिया निकिया जड़िया निकिया होनी कुछ इन पास असा कि अच्छा चाहिए कुछ असा कि अच्छे अमल जड़े करने चाहिए शायद अल्लाह पाक असा तो नाराज आए साढ़े पर जमीनी आसमानी अफात आई हुई है बीमारियां आई हुई अल्लाह पाक शायद खुश होई तो इन तू साड़ी जड़ी है ना वो जान सलाम जी अच्छो ना अली ना
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖੈਰੀ ਨਾਲ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੈਰੀ ਨਾਲ ਲਿਓ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾ ਵੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੈਰੀ ਨਾਲ ਲਿਓ ਖੈਰ ਖੜੀ ਤੇ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਰੋਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਡਰਾਇਆ ਵਾ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਿ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ ਅਖਤਰ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਖਣੇ ਰਹਿਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਖਣੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਢੋ ਜੀ ਆਪ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੋ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈ ਚਲੋ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਆ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਬੇਵਲ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਪਠਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਵੀ ਉਸਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹੁਨਰ ਤੋਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਇਸਦੀ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮਾਰੀ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਵਰਨੀ ਤਰਫੋਂ ਜੜਾਇਆ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠਕਰਾਨ ਨਾ ਲਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢੀ ਤਾਈ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਫਤਖਾਰ ਵਾਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਜੀ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਆਖਣੇ ਜੀ ਵਾਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਖਮ ਭਾਪਾ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਵਾਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਕੀ ਵਕਤ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਮਿਕੀ ਕਰੋਨੇ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਦੇਣ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਗਏ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੇਰ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਕਰੋਨੇ ਕੀ ਇਤਨੀ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਨਾ ਕਰਾਉਣੇ ਪਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕਣੇ ਹੋ ਪਏ ਔਨਲਾਈਨ ਤੱਕਣੇ ਹੋ ਪਏ ਆਫਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਜਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸਾਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਕਿਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੱਕਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੱਕਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਉਹ ਬੜੀ ਆਉਣੇ ਆਉਣੇ ਤੱਕਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੋਣੀ ਉਹ ਬੜੀ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੋਗਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮਲ ਕਰਸਾਂ ਜੀ ਸਤਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜੀਓ ਜੀ ਸਤਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਆਖਣੇ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕਣੇ ਪਏ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਦੀਲ ਮੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਜੀ ਅਦੀਲ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਅਦੀਲ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੇਵਲ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਲੀਡ ਸਮਝੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਜੀ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਲ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਇਹ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉੱਥੇ ਜਾਈ ਤਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੇ ਬੇਵਲ ਨਹੀਂ ਤਰਫੋ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਵਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਵਲ ਨਾ ਇਹ ਕਲਚਰ ਆ ਜਾਂ ਬੇਵਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਵਲ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿਤਨੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣੇ ਜੀ ਕਿ ਬੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੇਵਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋਏ ਜ਼ਬਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੀਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਗਾਈ ਦੇਣੇ ਬਲਕਿ ਬੇਵਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾ ਦਰਬਾਰ ਹੋਇਆ ਸਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਬੇਵਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਦੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਸਾ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣੇ ਨੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿਆਦਾ ਅਸਾਂ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟੀ ਸਿਤਾ ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਅਸਾਂ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਸਾਂ ਨੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆਬਾਦ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਰਹਿਣ ਹੋਣੇ
इस वास्ते अदील साहब अपना बहुत हिस्सा बने पे जी ते कोशिश जिथे जिस सिरा पर भी होई सकनी पे जिथे जगह इन्होंने पहुंची है ये कोशिश करने पे कि बेवल वास्ते जड़े स्पोर्ट ने लिहाज ना बेवल की जगह ना वो काफ़ी फैसिलिटियां मिलन ते अदील साहब तुसें वेलकम आखने प्रोग्राम दिन तुसा कि नाल शामिल करसा ते तुसा को भी काफ़ी सारे माइक पर सवाल है जड़े पूछता ते वारसी साहब आखने बहुत शुक्रिया अल्लाह तुसा कि ठीक रखे तुसा बहुत सोहनिया गल् करने खुश हो जी बहुत शुक्रिया जी वारसी साहब सारा मकसद ही तुसा खुश करना क्या ख्याल है इबराज साहब आसम इबराज साहब तुसा कि जड़ी एक तय क्यामत हुई जानी नहीं समझ लगी जी कदम इसकी उर्दू लिखी सटो तो मैं ज्यादा बेहतर तुसा कि जड़ी एक तय क्यामत हुई जानी मैं तो यही पढ़ी सकना बाकी तुसा क्या लिखा चलो चलो जी तो प्रोग्राम ने मैं पहले भी याद करना प्रोग्राम ने हवाले ना कोई तुसा राय हो जरूर दसिया करो तो जिंदगी बेवल ने पेज इसकी तुसा लाइक शेयर कमेंट जरूर करो दोस्तों शेयर करो दोस्तों की भी आखो जी कि इसकी करो बाकी हफ्ते ने जितना भी प्रोग्राम है तकरीबन मैं तुसा दसी सटी और इस प्रोग्राम में कोई शरीक होना चाहे वो भी सारी मैं तुसा गल करी सटी कि कुछ अगर कोई फरमाइश होनी वो सारियां पूरियां कीतियां जाएंगी जी मेरी राय के मुताबिक आप बेवल में अपने बेवल की टीम के साथ एक बेवल की वीडियो बनाएं दुकानदारों के साथ गपशप भी करें और खासतौर पर सुना दुकानदार हजरात के इंटरव्यू भी करें बिल्कुल जी वारसी साहब बहुत ज़बरदस्त किस्म का तुम्हें पॉइंट आख्या और हमारा एक पसंदीदा है लेकिन मैं जॉब करना और मैं इस्लामाबाद रहना है और मैं पूरे महीने बिच ज़्यादा से ज़्यादा चार या पाँच दिन बेवल अचना है तो जितना ये बेवल अचना है तो पता है फिर कोई घर ने कम कोई घर आने टाइम देना पैना तो मैं इस सिलसिले बिच मैं बहुत कोशिश करना है कि मैं बेवल जा मैं बेवल ने लोगों ही मिला और खसूसन जरा ना जो पुराने दुकानदार है उन्होंने मिला उन्होंने जड़िया राय के ना उन्होंने मुलाकात करा दोस्तों तक पहुँचा तो बड़ी खुशी हुई है मिगी उन्होंने लोगों बेहतर गलबात करने की लेकिन मैं इस पर इंशाल्लाह प्रोग्राम करना चलो मैं महीने से एक हफ्ता फायदा ना जरूर करने की कोशिश करता तुम राय ना बहुत बहुत शुक्रिया वासी साहब तो सर नाल शामिल हो जी कि जैद अजीज साहब जैद अजीज साहब वालेकम सलाम जी क्या हाल है ठीक हो जैद अजीज साहब सेहत भी तो तुम्हें ठीक ही तो तुसा इलाके कोई बारिश आ रहा हुई कि कौन हुई जरूर दस मिगी तो इफ्तार आरसी साहब ने मैं जरा पैगाम पढ़ी छड़े राय पढ़ी छड़ी अदील साहब आखने जी कि और मेरी बात को इंतजामिया ने इतना सीरियस दिया कि जिस जगह भी छोटा मोटा खेल का ग्राउंड आबाद होता है इधर पुलिस आ जाती है बिल्कुल जी अदील साहब ये असा की भी शिकवाया जी कि इंतजामिया तो असा की शिकवाया असा बेवल जी इंतजामिया है जवेद कौशल साहब असा उन्होंने अपील करने जी कि जिंदगी ने तकरीबन इस करोने जिंदगी ने हर फील्ड की डिस्टर्ब किया असा इस गल की मन्ने और असा आवाम समे असा पूरी आवाम गवर्नमेंट नाल हुई असा इसकी सीरियस लिया लॉकडाउन के असा पूरा साथ दिता लेकिन हूँ चूंकि लॉकडाउन काफ़ी जड़ा आ नरम हो गया आज तकरीबन दुकाना खुली गई हर फील्ड सिवाए स्कूलों से बाकी तकरीबन तकरीबन हर शोभा खुली गया तो कोशिश ये करो जी कि जिथे कोई ग्राउंड बिच कोई मैच होने तो उतने ये पुलिस दी कार्रवाई हो जाए पुलिस कि मैच बंद कराई सकने पुलिस चली जानी बाकी जो पुलिस ने रवैये होने वो सारे बेहतर जाने तो कोशिश करो जी कि यह भी एक इजाजत दी जाए जी कि टूर्नामेंट जोड़े भी कराए जाने चाहे वह वॉलीबॉल ने हो चाहे वह क्रिकेट ने हो ये भी टूर्नामेंट ने इजाजत दी जाए और खेलों ने जो ग्राउंड है उन्होंने आबाद किया जाए अदील साहब बिल्कुल असं तो ना लिया जी अस अपनी गल जी है अपने चैनल ने थ्रू अपने जिंदगी बेवल ने पेज ने थ्रू अपने प्रोग्राम निकी जी गल ने थ्रू असा जी राय है अपने इकदारे आला जड़े अस उन्होंने तक पहुँचाने जी अस अपने बेवल ने जी इंतजामिया उन्होंने तक पहुँचाने जवेद कौशल साहब तक पहुँचाने कि कम अज़ कम जो खेल ने मैदान है उन्होंने भी उन्हें बात किया जाए तो राणा साहब का नाल शामिल है जी तो देखे क्यामत अच्छा जी अदान कमर साहब अस्सलाम वालेकुम सुनाओ जी अलहमदुल्ला अदनान भाई क्या हाल है ठीक है तुम फिर पा रहे हो तुम सुनाओ ठीक हो तो चाचू ने क्या हाल है आपको जो भी आप देखे वो क्यामत हो जाती है अच्छा जी माशाल्लाह जी बहुत शुक्रिया जी तो अदनान कमर दान है माशाल्लाह बहुत शुक्रिया तो नाल साढ़े चौधरी इरफान साहब शामिल हो जी चौधरी इमरान आरफ साहब साढ़े नाल शामिल हो जी तो वेलकम आखने जी तुम सा शामिल हो तो वीर भाई जी का वसीफ साहब नाल शामिल है तो आखने की आसम साहब ने कहा कि गर्मी ज्यादा नहीं बहुत गर्मी है जी बिल्कुल जी रात गप हो सी फिर दसा कितनी गर्मी है वीर साहब बहुत शुक्रिया तो मुदसर साहब जी मुदसर साहब नहीं मैं तुसा कि नाल शामिल हो वेलकम आखने असलाम बाबा जी क्या हाल है मैं कराची
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਮਦਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕਣੇ ਪੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਬਲ ਰਹਿਣਾ ਇਤਨਾ ਹਫਜ਼ਾ ਥਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਕਮ ਆਖਣੇ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਰੈਚੀ ਅੱਜ ਆਖਣੇ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਰਮ ਦਰਮ ਬਰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇਣਾ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਬਣਿਆ ਜੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਮਹਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮਦਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਰੈਚੀ ਹੋਣੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕਣੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੁਬਹਾ ਤੇ ਮਦਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜੀ ਮਦਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮਦਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਚੀ ਹੋਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਨੇ ਦੱਸਿਆ ਖਾਲੀ ਤੇ ਇਹ ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮੀ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਨੇ ਜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣ ਆਉਣ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਠੰਡ ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ ਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਨਾ ਸਕਣੇ ਕਿਆ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਪੱਖਾ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਸ ਦਿਹਾੜੇ ਰਹੀ ਕਿ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਤੋਂ ਬੋਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਸਾ ਪਹਿਲੇ ਮਿਕੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਕੀ ਜਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਬਸ ਨੁਕਤਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੁਸਬਤ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਹੋ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਛਾਲਨੇ ਹੋ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਰਦੇ ਉਛਾਲਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ਼ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੀ ਹੋ ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ 100% ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਸ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਗਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਰਦਨ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੱਢੀ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਦਾ ਨਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਖੌਫ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵੀ ਆਖਣਾ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਦਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪਰਦੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਤਨੇ ਬੇਹੀਤ ਹੋਈ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਉਸਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀ ਛਾਲਦੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਜਾਏ ਤੋਂ ਵੀ ਛਾਲਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਦੇ ਰੱਖੀ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਤੱਕਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਪਰ ਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਯਾਰ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਪਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੀ ਹਮ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੱਲੇ ਲਾਈਕ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਮਰੀ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਕੱਢਣੇ ਜੋਗਾ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਕਮਾਤ ਕੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਰਮਾਣਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਸ਼ ਰਾਸ ਫਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰਦੇ ਪਰਦੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਇਤਨੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਰੱਖੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਕਿਆ ਹੋਸੀ ਕਿ ਮਾਰੇ ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਮੀ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਬੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਸਕਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਦੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੋ ਦਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣੇ ਅਸਲ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੇ ਹਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਵਲੇ ਇਲਾਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਇਮਰਾਨ ਆਲਮ ਵਾਲੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤਵਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣੇ ਖੇਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਖੇਲ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖੇਲ ਸੇ ਦੂਰੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹਮਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਕੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਉਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੀ ਖੇਲ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਬਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਾਨ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਖੇਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਖੇਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੈੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਔਕਾਤ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਇਤਨਾ ਮੋਫ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਦੇਣਾ ਉਸਨੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਣੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਉਸਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਉਸਦੀ ਮਲਾਮਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰੀ ਛੱਡਿਆ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਖੇਲਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਬਾਦ ਹੋਈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ ਨਾਲ ਦਾ ਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣਾ ਪਏ ਜੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਵਲ ਕੇ ਐਡਮਨ ਜਨਾਬ ਅਬੀਬ ਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖੇਲੋ ਕੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਾਵਨ ਕਰਨੇ ਹੋ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੋਫੀਕ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਜਿਤਨਾ 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 ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਹੀ ਸਕਣਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਅਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾ ਮਾੜੀ ਤਰਫੋਂ ਅਤੇ ਅਦੀਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਲਕਿ ਅਦੀਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਲਕਾਇਆ ਬਾਬ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਵਾਸਤ ਅਲੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਸਤ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਫਿਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਵੈਲਕਮ ਆਖਣੇ ਦਲਾਨ ਆਖਣੇ ਜੀ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਸਿਹਤਾਂ ਤਬੀਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਵਾ ਸਾਥ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ ਕਮੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੋ ਦੋਸਤ ਹੋ ਤੁਸਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿੱਕੀ ਇਤਨੇ ਮਾੜੇ ਬਾਰੇ ਵਕਫੀਅਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਬੇਵਲੇ ਵਾਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇੜੇ ਵਾਲੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੁਸਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਸਮੇਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਛੱਕਿਆਂ ਪਰ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨੇ ਸੀ ਪੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਖਣਾ ਯਾਰਾ ਓਏ ਬਹੁ ਬੜੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨਾ ਜੀ ਓਏ ਅਤੇ ਦੂਆ ਆਉਣਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਆਸਾ ਆਇਆ ਸਾਥ ਉਹ ਛੱਕੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਜੀ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੁਸਾਂ ਲੰਮੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੱਖੂ ਵਾਲੇ ਬਟ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜੀ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਬਾਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਜੀ ਆਖਣੇ ਹੈਲੋ ਪਾਪਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਸਾ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਸਿਹਤਾਂ ਤਬੀਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਣਾ ਨਦੀਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਸਨ ਉਸਨੇ ਬਰਾਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਆਖਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਅਤੇ ਕਹਿ ਹਾਲ ਚਾਲ ਏ ਕਦੋਂ ਅੱਛੋ ਅੱਛਾ ਹੋਣੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਫਰੇ ਸ਼ਕਰੇ ਕੋ ਨਾ ਅਤੇ ਖਰਾਬੜੇ ਸ਼ਾਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਤਗਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਚੂ ਵੀ ਖਿਲਾਈ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਕਹਿ ਖਿਆਲ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਕਾਲ ਗ੍ਰਾਂ ਆ ਜੀ ਟੋਕ ਚੋ ਦੀਆਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਟਕਾਲੇ ਆ ਲਿਓ ਕਹਿ ਹਾਲ ਏ ਠੀਕ ਹੋ ਗਾ ਲਿਓ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਟਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਤਾਰਫ ਵੀ ਹੋਈ ਗਿਆ ਰਿੰਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜੀ ਬੋਲ ਕਰ ਜੀ ਅਬੀ ਜੋੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਲਾਮਤ ਹੋਏ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਵਟਸਐਪ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਸਿਹਤਾਂ ਤਬੀਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਅਦੀਲ ਮੁਗਲ ਆਖਣੇ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਆਖਣੇ ਕਿ ਸੂਈ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਨੇ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਈ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਸੂਈ ਧਾਗੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹੀ ਗਿਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣੇ ਜੀਓ ਜੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹੈਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਵੈਲਕਮ ਆਖਣੇ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੋ ਸਿਹਤਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਿਮੂਦ ਮੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੂ ਨਸੀਹਤ ਕੋਈ ਆਪਸੇ ਸਿੱਖੇ ਆਜਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣੇ ਪੈ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਫਿਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਵੈਲਕਮ ਆਖਣੇ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਵੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸਾਂ ਹੋਈ ਸਕਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਕਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਅੱਛਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਮਾਈਕਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਅੱਛਣਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਬਚਾਉਣਾ ਜੀ ਅਤੇ ਅਤੀਕ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਅਤੀਕ ਭਾਈ ਵੈਲਕਮ ਆਖਣੇ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਅਤੇ ਅਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣੇ ਜੀ ਬਾਟਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਅੱਲਾ ਪਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਟਰ ਕੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਬਾਟਰ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੋ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੀਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਗਏ ਵੈਲਕਮ ਆਪਣੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਐਂਡ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਵੇਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੋੜ ਚੜੀ ਗਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਬਲਕਿ ਤੋੜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਨੰਗੀ ਕਿਆ ਕਿਆ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਲਕ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਗਏ ਵੈਲਕਮ ਆਖਣੇ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਿਆ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਕੂਲਾ ਸੁਣਾਈ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾਈ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਆ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ ਜਾ ਅਤੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਹੂਰ ਬਾਟ ਔਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਅਤੀਕ ਬਾਈ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਸਿਹਤਾਂ ਤਬੀਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਣਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੇ ਪੁੱਛਾ ਥਾ ਕਿ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ ਮੈਨੇ ਪੁੱਛਾ ਥਾ ਕਿ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ ਦਿਲ ਪੁਕਾਰਾ ਖਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਕਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ
एक मोहब्बत तो कहीं बार हो सकती है, एक ही शख्स बार बार नहीं हो सकता। जिससे पूछें तेरे बारे में यही कहता है, जिससे पूछें तेरे बारे में यही कहता है, खूबसूरत है वफादार नहीं हो सकता। इस शेर नाल मैं तुसां सो इजाजत चाहसां जी। तुसां ना बहुत बहुत शुक्रिया मेरे नाल रहने ना जी। बाकी जो दोस्त नाल शामिल हो सन जो प्रोग्राम तक सन, सारे दोस्तों ना बहुत बहुत शुक्रिया जी। तुसां नाल रहे हो तो रौनक भी लगी रही, मेला भी लगा रहा, ये महफल भी लगी रही। तो जी नईम साहब सा शामिल हो आखने जी, जी मुगल जी नईम साहब बहुत शुक्रिया जी। तो मज़ा आया जी आज प्रोग्राम करने ना, तुसा सारे दोस्तों ना रहने ना, गप शप तुसा लाने ना, कुछ गल्ला जड़ियां वो तुसा शेयर करने ना, बहुत चंगा लगा। ते इंशाल्लाह असा इस पेज पर हर इतवार राती 8 बजे तुसा नाल शामिल होया कर सन, गप्पां शप्पां होया कर सन। तो फिल वक्त इजाजत ना टाइम हो गया, इजाजत चाहना जी। अल्लाह हाफज, अपना सारे ख्याल रखे, अपने आस पड़ोस अपने अजीज रिश्तेदारां और खास करी अकदारा ना बहुत सा ख्याल रखे है। अल्लाह हाफज जी।